यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो GTA 5। तो गाइस, आपने हमारे अगले एपिसोड में देखा ही होगा कि हमें अपने शोरूम के लिए कुछ केश वगैरह चाहिए था और हमारे पास फिलहाल वो केश नहीं है। तो गाइस, उसके लिए हमने लेसनर को कॉल लगाया और बाद में हमने उसको बताया कि हमको केस वगैरह की कुछ ज़रूर है तो हमें मदद करें। तो लेसनर ने भी हमको बोला था कि उसके पास तो अभी केस नहीं है। तो गैस, उसके लिए ही लेसनर ने बीच का रास्ता निकाला और गैस उसने बोला कि यह यूनियन डिपॉजिटरी बैंक है, उसमें अगर हम रोबरी करेंगे तो गैस हमें जितना केस चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा हम गैस हम बिलियनर बन जाएंगे। तो उसके लिए गैस हमने लेसनर को रोबरी करने के लिए हाँ बोल दिया है। तो उससे टाइम गैस लेसनर ने बोला कि अभी रॉबरी करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तो गैस उसके लिए ट्रेवर और अपना लेसनर दोनों अपना प्लान स्काउट करने के लिए वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर गए थे और बाद में उन दोनों ने अपना जो ये फोटो वगैरह खींचकर अपना जो प्लान को जो स्काउट करना था वो उन दोनों ने किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल तो हम अपने घर पर आ गए और ट्रेवर भी अपने घर पर ही आया है। और गैस ये अभी एक पुरानी बात है, अभी निकल कर बैठा है और हमको बोल रहा है कि तुम जब नॉर्थहैम्पटन में गोली लगी चुकी थी तुमको और मैं उधर से भाग गया था, तो उस टाइम सब तुम्हें मरा हुआ ही मान रहे थे और मैं भी मरा हुआ ही तुमको मान रहा था, तो लेकिन आखिर में तू उधर से जिंदा कैसे निकला। तो गाइस अभी ये लेसनर ने ये बात निकल कर गाइस मेरा पूरा का पूरा मत्था ही खराब कर दिया है। और अभी तो हमें लग रहा है कि गाइस ये ट्रेवर को अभी वो बात बताने की जरूर नहीं है, तो फिलहाल हम उस बात को टाल ही देते हैं। और गाइस ये ट्रेवर अपना एकदम पूरा का पूरा खुन्नस हो गया और गाइस हमने उसको बताया नहीं, इसलिए गाइस वो बहुत ही गुस्सा हो गया और इधर से निकल गया, लेकिन किधर निकल गया गाइस हमको भी मालूम नहीं है। तो गाइस अभी ये माइकल ने ट्रेवर को वो बात नहीं बताई तो इसलिए ट्रेवर एकदम पूरा का पूरा गुस्सा हो गया। और गाइस ये ट्रेवर अभी कौन सी जगह पर जाने वाला है और वो गाइस हमें भी मालूम नहीं है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, अभी हम ये उस जगह पर चलते हैं, यानी कि ड्राइवर अभी शायद से वो जो कबर थी यानी कि किसकी कबर है वो उसके बारे में माइकल से बात कर रहा था। तो गाइस शायद से ये ड्राइवर अपना जो माइकल की कबर थी वो देखने के लिए जाने वाला है और माइकल का भी अभी कॉल आ गया है और वो ड्राइवर को वापस बुला रहा है, लेकिन गाइस अभी तो ड्राइवर मानने वाला ही नहीं। तो गाइस ड्राइवर पूरा का पूरा गुस्सा हो गया है, तो अभी वो किसी की भी बात सुनने वाला नहीं है और शायद से वो अपना नॉर्थहैम्पटन जाकर वो जो कबर थी उसमें वो खोद कर पता लगा ही लगा कि उस जगह पे किसकी बॉडी दफनाई गई थी। तो फिलहाल तो अभी वो अपने वेयर हाउस पर ही जाएंगे और बाद में अपना जेट लेकर यानी कि हेलीकॉप्टर लेकर वो नॉर्थहैम्पटन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, फिलहाल अभी हम ये अपने ट्रेवर के वेयर हाउस पर तो पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसको लेकर ही हम गाइस ये नॉर्थहैम्पटन जाने वाले और आखिर में पता लगाने ही वाले हैं कि ये जो माइकल की जो बॉडी की जगह किसकी बॉडी उधर पे दफनाई गई है। तो अभी गाइस हम ये अपना हेलीकॉप्टर डायरेक्ट लेकर अपने जाते हैं अपने नॉर्थहैम्पटन पे और उस पर पता लगाते हैं कि गाइस ये आखिर में ये जो माइकल ने सबको बेवकूफ़ बनाया है और उसकी कब्र पर किसकी जो डेड बॉडी है वो दफनाई गई है। तो गाइस ये माइकल ने ट्रेवर से भी झूठ बोला था कि वो एकदम पूरी तरह से उधर से सेफली बाहर निकल चुका था और गाइस ये जो कब्र की जगह पर किसकी बॉडी दफनाई है वो गाइस माइकल ने ट्रेवर को बताया ही नहीं। तो फिलहाल इसीलिए ट्रेवर गाइस ये अपना गुस्सा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो अपना नॉर्थहैम्पटन जाएगा और बाद में पता लगाएगा कि उधर पे किसकी बॉडी दफनाई गई है। तो गाइस अभी तो हमें ये आज तो बहुत ही गाइस ये हमारा मत्था ही घूम चुका है और गाइस ये अभी तो नॉर्थहैम्पटन जाना है और इधर से काफ़ी दूर है और अभी मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, तो कैसा से बारिश भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कैसा भी मौसम हो जाए अब तो ये नॉर्थहैम्पटन जाएंगे और कैसा तो ये माइकल का पर्दा फाश करने वाला है और उधर पे जाकर देखने वाला है कि माइकल की डेड बॉडी की जगह पर किसकी डेड बॉडी दफनाई गई है। और गैस अभी तो इधर पर बारिश होना भी शुरू हो गया है और एकदम मौसम गैस हमें तो
खराब होता ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे भी हम नॉर्थ एंगटन पहुंचने में भी गाइस बहुत ही देर होने वाली है। तो फिलहाल अभी हमें हमारा ये जो हेलीकॉप्टर है एकदम बढ़िया तरीके से चलाना है, और गाइस हमें जो रॉबरी करनी थी उस बैंक में तो वो भी अभी ड्रॉप होने वाली है, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम वो रॉबरी पूरी की पूरी कर ही लेंगे। तो फिलहाल तो अभी हमें ये माइकल का जो रियलिटी है वो हमें बाहर निकलनी है, तो वही दिक्कत नहीं, हम उसके लिए ही गाइस ये नॉर्थ एंगटन जाने वाले हैं। और पता लगा था कि माइकल उधर से कैसे निकला और उसकी जो डेड बॉडी थी उधर पे किसकी डेड बॉडी दफनाई गई है। तो गाइस अभी तो ये मौसम एकदम गाइस बहुत ही ख़राब हो गया, और गाइस इधर पे बिजली भी चमकारा मार रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, फिलहाल अभी कैसा भी मौसम हो जाए हम नॉर्थ एंगटन जा कर ही रहेंगे। और गाइस ये अपना हेलीकॉप्टर भी चलाने में हमें बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो फिलहाल अभी हमारा हेलीकॉप्टर भी थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन कोई ना, हम जैसे तैसे अपना नॉर्थ एंगटन में पहुंच जाएंगे और बाद में पता लगा ही लेंगे। तो गाइस शायद से हमें भी लग रहा है कि माइकल अपना हमारा पीछा तो करके इधर पे नॉर्थ एंगटन में आने वाला है, क्योंकि गाइस वो अगर हमारा पीछा नहीं करेगा तो गाइस उसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो शायद से हमें भी लग रहा है कि वो हमारा पीछा कर ही रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पीछा कर रहा होगा तो भी हम ये नॉर्थ एंगटन में जाएंगे और उधर पे पता लगा ही लेंगे कि माइकल की डेड बॉडी पर जगह गए किसकी डेड बॉडी लगाई गई है, यानी कि दफनाई गई है। तो गाइस अभी हम कुछ ही देर में अभी अपने नॉर्थ एंगटन में पहुंचने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम पहले जाते हैं। और गाइस हमने जब पहले ये नॉर्थ एंगटन में रॉबरी की थी तो उसके बाद गाइस हमने ये नॉर्थ एंगटन पूरा का पूरा छोड़ दिया था और लॉस सैंटोस में सेटल हो गए थे, तो उसके बाद हम गाइस ये कभी भी नॉर्थ एंगटन में नहीं गए हैं। तो अभी ये पहली बार हम नॉर्थ एंगटन में जा रहे हैं, तो वही ना गाइस अभी तो हम ये नॉर्थ एंगटन में घूमने के लिए तो नहीं जा रहे, तो अभी हम बाद में ये नॉर्थ एंगटन घूमने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल गाइस अभी हम बिना कोई देरी किए इधर पे नॉर्थ एंगटन पे पहुंच चुके हैं, और गाइस इधर पे पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लग चुका है। तो फिलहाल गाइस ये है माइकल की कब्र, तो इसको हम खोजते हैं और इधर पे देखते हैं कि किसकी लाश इधर पे दफनाई गई है। तो गाइस अभी हम बिना कोई देरी किए अपना जो इधर पे गड्ढा गाड़ने का जो काम है वो हम शुरू करते हैं। तो गाइस हमने काफ़ी टाइम के बाद इधर पे बहुत डीप में या ये जो गड्ढा है वो खोद दिया है, तो फिलहाल अभी हम ये निकालते हैं इसकी कब्र को और देखते हैं कि इसमें किसकी डेड बॉडी है। और गाइस हम बोल ही रहे थे ना कि माइकल हमारा पीछा करके इधर पे जरूर आने वाला है, तो गाइस इधर पे माइकल भी आ चुका है, तो आज हम इसके सामने ही गाइस ये इसकी कब्र खोद देकर ये इसमें जिसकी भी डेड बॉडी है उसका हम पता लगाने वाले हैं। तो माइकल की याद तो चौक जाने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस अभी हम अपना वर्क शुरू रखते हैं और माइकल को भी बोलते हैं कि तू इधर पे देखते रहना। और गाइस ये आज तो ट्रेवर पूरा का पूरा खुन्ना सो रखा है और ये माइकल की बात सुनने में नहीं रहा है, और गाइस शायद से ये दोनों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, अभी ये ट्रेवर ने जिद पकड़ी है तो अपना जो ये माइकल की कब्र है उसको हम खोद देते हैं और देखते हैं कि उसमें किसकी डेड बॉडी है। उत्तरी गाइस ये फाइनली अभी माइकल की कब्र बाहर आ चुकी है और देखते हैं कि इसमें किसकी लाश है। उत्तरी गाइस ये कब्र में तो हमारे साथ जो तीसरा बंदा था उसकी लाश इसमें रखी गई है, और गाइस ये माइकल ने सब लोगों को उल्लू बनाया कि गाइस ये माइकल मर चुका है, और इधर पे ये माइकल की जो कब्र है उधर पे रखी गई है। तो गाइस ये क्या हो गया गाइस, जब टाइम में जो नॉर्थ एंगटन में माइकल को गोली लग चुकी थी, और गाइस माइकल ने हमारे साथ जो तीसरा बंदा था गाइस उसके जो क्लोथ थे वो एक्सचेंज कर लिए थे, और गाइस उसका मुंह पूरी तरह से बिगाड़ डाला था, वो सबको वो ये लगा कि ये माइकल की लाश है और माइकल मर चुका है, और सब लोग ने वो केस भी क्लोज कर दिया था। तो अभी तो गाइस ये माइकल ने ट्रेवर से सब कुछ छुपाया था, तो अभी गाइस ये ट्रेवर भी एकदम खुन्ना सो रखा है, और गाइस दोनों ने आमने सामने गाइस अपनी गन निकाल ली है, और गाइस शायद से इन दोनों में झगड़ा हो गया है, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो अभी दोनों एकदम मत्था उसका घूम गया है, तो इसीलिए गाइस वो अपना गन निकाल कर इधर पे आमने सामने खड़े है, लेकिन गाइस हमें इधर पे तो कुछ भी गड़बड़ लग रही है, गाइस इधर पे शायद से कुछ गड़बड़ है, और इधर पे तो गाइस ये क्या, ओ तेरी साले,
अरे यार गाइस, ये एक तो ये ट्रेवर ने यार एकदम पूरा पूरा मत्था ही खराब कर दिया। और गाइस ये इधर पे भी और कुछ बंदे आ गए और ये गोलियां चला रहे हैं, लेकिन गाइस ये कौन बंदे है हमें भी मालूम नहीं है। तो फिलहाल अभी हमें इससे फाइट लेनी पड़ेगी और इधर से सेफली हमें इधर से भागना पड़ेगा। और गाइस ये ट्रेवर अपना हमें अकेला ही छोड़कर भाग चुका है इधर से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ये बंदों को निपटाएंगे और बाद में इधर से सेफली भाग जाएंगे। तो गाइस अभी इधर पे बहुत सारे बंदे भी आ चुके हैं, तो अभी हम इधर से डायरेक्ट अपना जो ये एरिया है इसको हम छोड़कर डायरेक्ट अपने लॉस सैंटोस में ही भाग जाते हैं। तो अभी गाइस ये हमारा पूरा का पूरा तो मत्था ही खराब हो गया। और गाइस ये ट्रेवर भी अपना हमारा साथ दिया बगैर ही वो इधर से भाग चुका है, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, ट्रेवर को तो हम बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल तो अभी हमें इधर से ये नॉर्थ इंग्लैंड छोड़कर डायरेक्ट अपने लॉस सैंटोस में ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। और गाइस ये हम गाड़ी में तो बैठ चुके हैं, तो अभी हमारी गाड़ी भी यार स्टार्ट नहीं हो रही है क्या यार। और गाइस ये इधर पे बंदे भी आ चुके हैं। अरे यार गाइस हम अब तो बुरी तरह से फंस गए हैं, अब क्या करेंगे यार हम। गाइस अभी हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा इसके सामने। तो गाइस ये अभी तो हम ट्रेवर के पास ही आ गए और ट्रेवर अपना नॉर्थ यंगटन और माइकल को उधर पे छोड़कर ही अपना इधर से निकल गया। तो गाइस अभी माइकल के साथ क्या होने वाला है वो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो अभी हम ये ट्रेवर को अपना हेलीकॉप्टर लेकर डायरेक्ट अपने यानी कि जो ट्रेवर का वेयर हाउस है उधर पर हम चलते हैं और बाद में देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और कैसे आज तो हमारा पूरा पूरा मत्था ही घूम चुका है, लेकिन हम इस सिचुएशन में क्या करें वो हमें भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी हम ये अपना हेलीकॉप्टर लेकर डायरेक्ट ये ट्रेवर के वेयरहाउस पर जाते हैं और उधर पे अपना हेलीकॉप्टर रख के बाद में सोचते हैं कि हमें आखिर में क्या करना चाहिए। तो कैसे अभी हम काफ़ी टाइम के बाद ये अपने लॉस एंजेलिस में पहुँच चुके हैं और इधर पर ही अपना ट्रेवर का वेयरहाउस है, तो हम उधर पर ही अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवा के सेफली अपना हेलीकॉप्टर अपने वेयरहाउस में रख देते हैं और बाद में हमें क्या करना चाहिए वो हम सोच लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फिलहाल अपना ये जो हेलीकॉप्टर है उसको इधर पे लैंड करवा देते हैं। वैसे तो कहीं ये हमारा हेलीकॉप्टर नहीं है यानी कि ये हमारा जेट है, तो कहीं से टेंशन में बातों बातों में क्या ही बोला जा रहा है, लेकिन कहीं से अभी तो बहुत ही टेंशन हो गया क्योंकि ये अपना माइकल और ट्रेवर के बीच में झगड़ा हो गया और माइकल को भी उन गुंडों ने उस पर हमला कर दिया था। तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा तो हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस वो बाद में हम सोच लेंगे। तो फिलहाल तो गाइस अभी हमारी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। गुड बाय।